हेलो दोस्तों, मैं हूं शहाबुद्दीन। तो आज मैं आप लोगों को ये बूम सीखने का तरीका बताऊंगा, वो भी बहुत ही आसान तरीका और एडवांस तरीका। ठीक है, दरअसल मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन और वो वीडियो भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है उस वीडियो में। ठीक है, काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखो, मैंने उसमें बहुत ही बारीकी से जो है इस लीवर का फंक्शन बताया है। ठीक है, कि इस लीवर के में क्या फंक्शन होता है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि आपको किस तरीके से जो है ये पीछे का जो बूम है वो सीखना है। ठीक है, दरअसल लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। ठीक है, और आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जब भी आपको सीट पे बैठने का मौका मिले तो सबसे पहले जो है आप लीवर को समझो कि हमारा लीवर काम कैसे करता है। ठीक है, दरअसल लोग गलती ये करते हैं कि जैसे उसको मतलब ऑपरेट करने का मौका मिलता है, वो इस तरीके से मतलब कि ऑपरेट करना चालू करते हैं मशीन को, जैसे लग रहा है पूरा कबाड़ के ही रख देंगे सब चीज़। दरअसल एक्चुअल में ऐसा होता तो है नहीं। ठीक है, सिर्फ मशीन को ढाया ढो पटकना चालू होता है और वहीं से जो है एक सामने वाले के दिमाग में एक नेगेटिविटी भर जाती है कि यार ये तो बहुत मुश्किल वाला काम है। ठीक है, तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपको जब भी मौका मिले लीवर पकड़ने का, तो आप पहले लीवर को समझो कि हमारा ये फंक्शन काम कैसे करता है भाई, हम किस डायरेक्शन में लीवर को लेके जाएंगे जो हमारा बूम या बकेट डीपर हलचल करेगा। ठीक है, पहले इस तरह चीज़ों को समझना होता है। अगर आप समझ के काम करेंगे ना, तो मशीन जो है आप जो आपको अभी अगर एक साल समय लग रहा है लोगों को, तो आपको जो है 3 से 4 महीने के अंदर में आप सीख जाएंगे। और ये जो सीखने का जो समय है वो आराम से आप 3 से 4 महीने में सीख जाएंगे। और लोग सीखते हैं, जो दिमाग लगाते हैं, जो समझ के काम करते हैं वो आराम से सीखते हैं, और जो नहीं दिमाग लगाते वो जो समझते नहीं है उसको भैया बहुत समय लग जाता है। ठीक है, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, आपको जब भी मौका मिले तो आपको पहले प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए, आपको जैसे कि पता ही होगा ये पूरा इसका फंक्शन के बारे में। ठीक है, अभी देखिए, ये जो इसमें 4 लीवर होता है, इसमें भी 4 फंक्शन, इसमें भी 4 फंक्शन होता है। ठीक है, और इस बोल्ट के तरफ जो है पूरा इसका फंक्शन होता है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डिटेल में बनाई है, तो आप वो वाली वीडियो देखो, आपको उसमें बहुत कुछ सीख मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं अभी उस डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, उधर भी एक बोल्ट है। ठीक है, ये देखिए, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके जाता हूँ तो हमारा बकेट जो है ये खुल रहा है। ठीक है, ये बकेट हमारा खुल गया। अगर हम इस डायरेक्शन में लेके आएंगे तो हमारा बकेट जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा डिपर जो है ऊपर जाएगा, वो डिपर है। ठीक है, जस्ट अपोजिट नीचे लाएंगे तो वो डिपर नीचे आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसका प्रैक्टिस जो है कम से कम हर दिन जो है, जब तक कि आपकी कन्फ्यूजिंग दूर ना हो जाए तब तक आपको इसको प्रैक्टिस करते रहना है। मशीन ऑपरेट करने से पहले हर 5 मिनट 10 मिनट जो है इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जो है इस तरीके से कर करके आपको जो बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हाँ भाई, इधर करेंगे तो ये होगा, इधर करेंगे तो बकेट बंद होगा, उधर करेंगे तो डिपर ऊपर जाएगा, इधर करेंगे तो नीचे आएगा, ताकि जब भी आप मशीन ऑपरेट करें उस समय आपके दिमाग में जो कंफ्यूजिंग ना रहे। ठीक है, उसी तरीके से फिर ये वाला लीवर, इसका भी, इसके बारे में भी आपको समझ लेना है कि अगर हम इस बोल्ट की तरफ करेंगे तो ये हमारा बूम जो है वो नीचे जाएगा। देखिए, नीचे जा रहा है। उसी तरीके से जस्ट अपोजिट अगर हम इस पर करेंगे तो हमारा बूम ऊपर आएगा। ठीक है, नीचे और ऊपर। ठीक है, इस बोल्ट की तरफ करेंगे तो ये स्विंग होगा, राइट स्विंग। जस्ट अपोजिट वो साइड करेंगे तो लेफ्ट स्विंग। ठीक है, राइट स्विंग और लेफ्ट स्विंग। तो ये पहले सिंगल सिंगल लीवर को समझना है। ठीक है, कि भाई किस तरीके से ये फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, जब आपको ये समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से, तो जब भी आप खुदाई करेंगे तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजिंग नहीं रहेगा कि अरे यार अब क्या करूँ। दरअसल लोग ये करते हैं कि जब उसको बकेट बंद करना होता है तो लोग बूम को स्विंग करने लगते हैं, डिपर को ऊपर उठाने लगते हैं, मतलब दिमाग में कन्फ्यूजिंग भर जाता है उसका कि यार अब क्या करो, कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप लोग सबसे पहले जो है फंक्शन को समझो, प्रैक्टिस करो, अपने दिमाग में बिठा लो कि हमारा फंक्शन काम कैसे करता है, ताकि आप मिट्टी आसानी से खोद पाए। ठीक है, अभी मैं आपको मिट्टी खोद के दिखा देता हूँ अपने हाथों से। ठीक है, ये देखिए, बहुत ही आसानी से खोद के बताऊँगा मैं अभी आपको, अभी समझिए। और एक चीज़ और, जब भी आपको मिट्टी खोदने का मौका मिले तो आप लोग बहुत जल्दी बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो मिट्टी खोदने के लिए जो है बकेट को इस तरीके से ओपन कर देंगे, ये पूछिए मत। ये देखिए, पूरा ऐसे ओपन कर देते हैं, और आपको पूरा फुल ओपन नहीं करना बकेट को। ठीक है,
अभी मैं आपको समझाता हूँ। समझिए कि आपको अगर आपके हाथ से मिट्टी खोदना है तो अगर इस तरीके से खोदेंगे आप तो मिट्टी खोदाएगा, आपके हाथ में ही चोट लगेगा, ठीक है। तो उसी तरीके आप थोड़ा सा हाथ को ऐसे कर देंगे तिरका और लेंगे थोड़ा मिट्टी तो मज़ा आ जाएगा लेने में, और ज़्यादा भी मिट्टी आएगा। और ऐसे सीधा रखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, सब मिट्टी इधर उधर बाजू गिर जाएगा, ठीक है। आपके हाथ में ताकत ही नहीं रहेगी, ठीक है। उसी तरीके से कभी भी जो है आपका जो बकेट होगा वो थोड़ा सा बिल्कुल फोल्ड होगा, ये देखिए इतने पे रहना चाहिए, ठीक है। इतने पे रखेंगे आप तो क्या होगा कि मतलब मिट्टी जो है बहुत ही आसानी से वो मिट्टी को फाड़ के जो है अंदर घुस जाए। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल बकेट को आराम से ज़मीन पे रख दिया हूँ। अभी देखिए मैं उसको कुछ नहीं करूँगा, आराम से सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस बोल्ट की तरफ सीधा करना है, इसे रखने के बाद जो सीधा इस बोल्ट की तरफ करना है लीवर को, और ये देखिए वो हमारा जो है अपने आप अंदर आ रहा है, ये देखिए अंदर आ गया, वो घुस गया पूरा, अंदर घुस गया ना। उस तरीके से घुसने के बाद फिर इस बोल्ट की तरफ कर देना, ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए भर गया ना मिट्टी। ये भर जाने के बाद फिर इसको ऊपर उठा देना, ये देखिए ऊपर उठ गया, ठीक है। उसी तरीके से जब भर जाएगा बकेट तो आपको खाली करने के लिए इस बोल्ट की तरफ कर देना है, ये देखिए। सो सिंपल यार, ये देखो खाली हो गया, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर आप समझ के काम करते हैं तो मैं अपने दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे और बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही वीडियो लगा, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं किसी भी जेसीबी से रिलेटेड किसी भी तरीके का तो मुझे इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज करें, वहाँ पे फॉलो करें, मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना, फिलहाल तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।